हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी अंडे छोले। और अंडे छोले के लिए बहुत कम चीज़ें चाहिए, तो उस अंडे छोले के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दें, हाफ कप। और उसके अंदर प्याज काट के, ये इतनी बड़ी प्याज है, इसको मैंने आधी से ऊपर दी है, तो ये वैसे दो छोटी प्याजें होंगी, वो काट करके इसमें डाल दें और उसको ब्राउन कर लें। इसको ब्राउन करना है, और ब्राउन करने सुनहरा करने के बाद इसको बाहर निकाल कर पीसना है। इसके अंदर जो इसके अलावा चीज़ें जाएंगी वो है दो टमाटर, जो कि प्याज जब ब्राउन हो जाएंगी तो इसके अंदर दो टमाटरों के साथ इसको हम पीस लेंगे ग्राइंडर में। और साथ ही उबले हुए अंडे चार लिए, और एक कैन लिया है छोलों का जीरा। ये कैन लिया है, इसका पानी निकाल करके इसको वॉश करके यहाँ पर रख देते हैं, और जब तक इसको प्याज को लाल कर लेते हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे, इसमें गरम मसाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और अदरक लहसुन है, और भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया ऑप्शनल है, साथ में साबुत गरम मसाला है थोड़ा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं, और डाल करके इत्मीनान से देख करके इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। एक ही कैन लिया है, तो ये 1 कप के तकरीबन छोले हैं, और ये ऑलरेडी इस कैन के अंदर उबले हुए होते हैं। इसको थोड़ा सा बस बॉइल करना होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा तो मसाला भुनने के बाद जब मैं इसमें पानी डालूंगी, तो वो अगर आपके पास यखनी हो तो यखनी डालिएगा। आज मेरे पास यखनी है, तो आज मैं इसमें यखनी डालूंगी ताकि इसका जायका और मज़ेदार। वैसे इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके सालन के लिए, अगर यखनी मौजूद हो तो यखनी इस्तेमाल करें, इससे बहुत जायका अच्छा आ जाता है। ये ऑलमोस्ट प्याज जो है वो सुनहरी हो गई है, हल्की ब्राउन हो गई है, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, वरना हल्का सालन कड़वा हो जाएगा। अब इसको निकाल कर मैं इसको पीस लूँगी टमाटरों के साथ, ये जो टमाटर थे 2 अदद। अब इसके अंदर वो प्याज और टमाटर को उसको निकाल करके पीस लिया है, और अब इसके अंदर जो तेल था उसी में थोड़े से जीरा 1 टीस्पून, बल्कि हाफ टी स्पून, थोड़े करी पत्ते, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी साबुत मिर्ची,
डालकर इसके अंदर जो हमने छोले मसाला डाल देंगे, मतलब मसाले में लाल मिर्च, हरी इलायची, लवंग पीस, वन टीस्पून ही बोलते थोड़ी कम बात है, हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा, हल्दी हाफ टी स्पून, और गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून, और नमक। हल्दी जायका और साथ में ये लहसुन अदरक लेके हल्का क्रश करिए, 1 टेबल स्पून होगा दोनों मिला के अदरक और लहसुन दोनों। क्रस्ट है, इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है, ताज़ा ताज़ा। अब इसका पानी सूख गया है, अब इसके अंदर हम जो हमने ग्राइंड किया था प्याज और सुनहरा करके प्याज और टमाटर वो डाल देते हैं। टेस्ट करके इसको अच्छे से भूनना है। इसमें नमक डाल देती हूँ 1 टीस्पून। वन टेस्पून से थोड़ा सा जब तक उबले हुए अंडे छील लेते अपने खानों में कलौंजी हाफ टी स्पून से कम या हाफ टी स्पून तक ज़रूर हर खाने में डालें, क्योंकि कलौंजी का बहुत फ़ायदा है, कलौंजी में शफा है, मौत के अलावा हर मस में जो है उसमें शफा है। वेट लूज के लिए बहुत अच्छी है कलौंजी। मैंने 4 अंडे डाले, अब ये अपने हिसाब से आप इसमें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसमें आपको पसंद हो। अभी ऑलमोस्ट ये भून गया है, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर ये यखनी है आपके पास जबिन तो वो बहुत डालें, अगर नहीं है तो इसमें पानी डाल के इसका सालन बनाए। मेरे पास यखनी है तो मैं यखनी डालूंगी।
अब इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के रख देंगे। अब इसको ढक्कन लगा के रख दिया है जब तक कि ये ठहर जाता है। इसको 5 से 5 मिनट मुश्किल से रखना है, फिर हटा के इसके अंदर धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे और ये अंडे छोले आपके तैयार हो गए। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें ढक्कन हटा देती हूँ और इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देती हूँ। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। ये आपका अंडे छोले अब रेडी हो गया है, इसको आप काट के सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने प्लेलिस्ट में इसको शामिल करें और इसको बना के ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय।